हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसे मिमिक और सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप में से एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, ये समझ में आता है कि रेविट आर्किटेक्चर का काम है मॉडलिंग करना, अच्छे अच्छे घर बनाना, राइट? स्केचअप का काम है मॉडलिंग करना। सर, पहले तो मैं ये कंफ्यूज हूं कि रेविट आर्किटेक्चर और स्केचअप में से कौन सा सीखूं, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर मॉडलिंग सीखना है तो रेविट आर्किटेक्चर ज्यादा बेटर है एक्यूरेसी के लेवल पे, और स्केचअप भी सीखते हो बुरा नहीं है, दोनों सीख लो और बेटर है, ठीक है? इसीलिए मैं अपने जो बीम वाला कोर्स है उसमें दोनों ही दे देता हूँ। फिलहाल रेविट आर्किटेक्चर ज़्यादा बेटर है। अब कंपेयर करते हैं भाई, चलो रेविट आर्किटेक्चर स्केचअप तो क्लियर हो गया। सबसे बड़ी समस्या उनका था कि सर, रेविट स्ट्रक्चर का क्या यूज है? तो आइए आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे रेविट स्ट्रक्चर का क्या यूज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको एक बार याद दिला दे रहा हूँ, एजुकेशन महाकुंभ चल रहा है, यूज कोड एजुकेशन महाकुंभ। यूनिक सिविल के ऐप पर हर एक कोर्स 50% ऑफ, चाहे आप स्ट्रक्चर का ऑल इन वन ले लो, चाहे आर्किटेक्चर का पूरा बीम ले लो, कंप्लीट कोर्स 50% ऑफ में मिल जाएगा। जाके अपना बेनिफिट उठा लो, लाइफ टाइम एक्सेस है, आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, सारा स्टडी मटेरियल सॉफ्टवेयर सब कुछ मिलेगा। चलिए अब रेविट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे जी। रेविट स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है? कई लोग सोचते हैं सर, ये एनालिसिस करता होगा। नहीं, रेविट स्ट्रक्चर 3D डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर भाई? 3D डिटेलिंग का। अब ये क्या होता है? आप लोग अभी देखते होंगे ना, साइट पर एक चार्ट पे ड्राइंग बन के आती है, उसमें फुटिंग की ड्राइंग रहती है, कॉलम की ड्राइंग रहती है, बीम की ड्राइंग रहती है, सबकी ड्राइंग रहती है। तो वो जो ड्राइंग है वो 2D डिटेलिंग से है। क्या है वो? 2D डिटेलिंग से। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो उसमें 2D डिटेलिंग को समझना बड़ा टफ हो जाता है। ये बार इधर से गया हुआ है, इसके बीच वाला बार कौन सा रहा होगा, इसके टॉप में बार कौन, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हो जाती है। आप में से कई ढेर सारे लोग तो ड्राइंग देखते होंगे तो उनको लगता है यार ये है क्या, राइट? ऐसा नहीं कि आप, मैं भी और सब बहुत से ऐसे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए धीरे धीरे अपना सबने अपग्रेड किया, तो रेविट ने भी अपग्रेड किया, और रेविट ने रेविट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया जिसमें 3D डिटेलिंग्स हो सकती है। मतलब 3D में दिखा दिया जाएगा भाई ये बीम ऐसे दिख रही है और इसमें ये जो बार पड़े हुए हैं, क्रैंक बार्स पड़े हुए हैं, मेन बार्स पड़े हुए हैं, ये ऐसे पड़ के दिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड 3D डिटेलिंग्स। और इसमें किस चीज़ का डिटेलिंग कर सकते हो? बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयरकेस, सब का अपने आप अच्छे से। आप इसके अंदर ढेर सारे प्लगइन्स यूज करते हैं, जैसे एक नेविगेट प्लगइन है, ऑटोमेटिक आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके दे देगा। अदरवाइज आप मैनुअली भी लगा सकते हो, मैनुअली बहुत टाइम लगता है वैसे प्रैक्टिकली, तो बेटर है कि नेविगेट करके एक प्लगइन होता है, आप इंस्टॉल कर लो और इंस्टॉल करके आप आराम से उसमें डिटेलिंग कर सकते हो। डिटेलिंग के साथ ये BVS भी प्रोड्यूस कर देता है। बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में कितना टाइम लगता है ये इजिली बना के दे देता है। ये एस्टीमेशन भी आपको दे देता है, तो आपका एस्टीमेशन में भी टाइम बच जाता है। तो कुल मिला के टाइम को सेव करने के लिए रेविट स्ट्रक्चर बेस्ट सॉफ्टवेयर कर सकते हो। ना केवल ये बीम, मतलब RCC की बात कर रहा हूँ मैं, स्टील के लिए भी करके दे देता है। स्टील का ट्रस बना देगा, स्टील के कनेक्शंस बना देंगे, स्टील का वेयर हाउस बना देगा, जो आप बनाना चाहो स्टील का वो भी बना सकते हो, मतलब स्टील और RCC दोनों। और रेविट स्ट्रक्चर यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो जो आप लोग अभी वर्जन देखते हो उसके लिए है, बट कंपनीज में जब जाओगे तो वहाँ पे प्रीकास्ट का भी प्लगइन रहता है, तो रेविट स्ट्रक्चर का ही वो पार्ट है प्रीकास्ट। तो प्रीकास्ट का भी पूरी डिटेलिंग्स आप रेविट के अंदर ही कर सकते हो। तो रेविट एक तरीके से बहुत ही अच्छा, रेविट स्ट्रक्चर जो है बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़, इससे काम इजिली हो जाता है, ड्राइंग पढ़ना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग रेविट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। होप समझ में आया होगा। अब ऐसे कई लोग सोचेंगे सर, इसका कुछ अल्टरनेटिव भी है क्या, मतलब रेविट स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और सीख सकते हैं क्या? यस, अगर आप रेविट स्ट्रक्चर नहीं सीखना चाहते हो या फिर आपको नहीं समझ आया, फिर मज़ा नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिप्लेस करने के लिए इसका जो हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है वो है टेक्ला स्ट्रक्चर्स। जिसको टेक्ला स्ट्रक्चर्स आता है उसको रेविट स्ट्रक्चर सीखने की नीड नहीं है, क्योंकि सारा काम आप टेक्ला स्ट्रक्चर्स में भी कर सकते हो। इवन रेविट स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा काम आप टेक्ला स्ट्रक्चर्स के अंदर कर सकते हो। टेक्ला का भी कोई अल्टरनेटिव है क्या सर? टेक्ला का अगर स्टील का वर्क करना है, हटाना है टेक्ला से, तो उसके लिए आप एडवांस स्टील, ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है एडवांस स्टील, उसको यूज कर सकते हो। बट मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा टेक्ला ज़्यादा बेटर है, ठीक है? नो डाउट स्टील के लिए, अगर आप स्टील का स्टेयरकेस, सिलो एंड बंकर्स का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो ये सब करना है तो आप एडवांस स्टील में कर लो। लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं नहीं ये सब मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्टील नॉर्मल वेयर हाउस वगैरह बनाना है, अच्छे अच्छे कनेक्शन देने हैं और बेस प्लेट वगैरह लगाना है प्लस स्लैब वगैरह लगाना है, टेक्ला बेस्ट है, ठीक है? रेविट स्ट्रक्चर और टेक्ला स्ट्रक्चर्स और एडवांस स्टील, ये तीनों ही एक तरीके से एक ही काम करते हैं। तो आप इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा रेविट स्ट्रक्चर क्या काम करता है, और ये बहुत से फंक्शंस हैं इसके अंदर, बट मेन रेविट स्ट्रक्चर का काम यही है।
तो होप आपको समझ में आया होगा। एक अभी और वीडियो आने वाला है जिस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बी मॉड्यूलर को क्या क्या सीख के रखना चाहिए, अगर किसी भी इंटरव्यू में जा रहा है उसको क्या क्या आना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत।